Welcome to another episode of Chatboard. मेरी कोशिश ये होती है कि इस पॉडकास्ट के अंदर आपको उन मेहमानों से मिलाया जा सके हुव रियली डन समिंग इन दियर लाइफ आई ऑलवेज लव टू टॉक टू द पीपल जो जिन्होंने कुछ अचीव किया है जो कुछ अचीव करना चाहते हैं दे आर ऑन देयर वे ज़रूरी नहीं है कि अचीव करके बैठे हुए हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर लोग कहते हैं गौरों में और आप में फ़र्क है दैट इज़ द माइंड सेट एंड द पीपल हु हैव बिगर माइंड सेट मैं उनसे बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ उन्हीं को इस पॉडकास्ट में ला के आपके सामने बिठाया जा सके द गेस्ट आई हैव विद मी टूडे इज़ अहमद रौफ ईसा Uh, सब लोग जानते होंगे उनको ही इज नान अदर देन द गाय हु हैज बिल्ड वन ऑफ द जैगेंटिक कंपनी और मुझे इसमें कहने में कोई uh, शर्म नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान का अमेजन बिल्ड कर दिया है सो ही इज ऑल एंड ऑल इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री लेकिन uh, the good part of his personality is he is already there for the people who want to learn something so uh, let's have a quick chat with him and moving towards you ahmed bhai i i always ask the question in a way that थैंक यू सो मच एक तो आपने टाइम निकाला लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मुझे वो जो आपका एक बहुत फैंसी सा इंट्रोडक्शन है वो गूगल पे मिलता है वो आपकी प्रोफाइल से मिलेगा एंड एवरी वन मे ऑलरेडी नो अबाउट दैट बट आई आई वॉन्ट एन इंट्रोडक्शन जो मुझे बता सके किचुअली हु इज़ अहमद रोफीसा एंड हाउ ही बिकेम ए आर ई हाओ ही बिकेम द बिगेस्ट यू कैन से ई कामर्स टाईकॉन इन पाकिस्तान सो उस सारे जर्नी को हमने कवर करना है सादा सा इंट्रोडक्शन जो आपने कभी नहीं दिया बड़ा डिफरेंट है बड़ा डिफरेंट बड़ा है अपने बारे में भी इस तरह कभी नहीं सोचा यार खैर मैं अगर बड़े आसान से अल्फाजों में बताऊँ तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसको आज भी सीखने की बहुत मतलब बहुत चाह है सीखने की मैं चाहता हूँ कि यार हर जगह जाऊँ सीखूँ नए लोगों से मिलता हूँ मुस्तकिल और उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि मैं एक हमेशा जो अब होता ही है ना आप लर्निंग कर्व देखते हैं ना तो मेचोरिटी के बाद डिक्लाइन आता है तो मैं उस मेच्योरिटी के स्टेज को पहुँचना ही नहीं चाहता कभी भी सही है कि मैं कल को डिक्लाइन देखूँ तो मैं इसीलिए हर चीज़ लर्न करता रहता हूँ आज तक यही क्या प्लस जैसा आपने इंट्रोडक्शन में एक बात बोली अपने कि भाई बड़ी सोच तो मैं उस तरह का आदमी कि लोग मुझे आज समझते होंगे कि पता नहीं क्या है क्या सोचता है लेकिन मैं बहुत आगे की सोचता हूँ मेरी आदत है मैं अगर किसी बिजनेस के साथ भी इन टच होता हूँ अपने बिज़नेस के लिए भी मैं दस साल से नीचे नहीं सोचता तो ये और दस साल नॉर्मली लोग कहते है किस देखे हैं किसने देखें क्यों सोचना है सही है तो मैं बहुत डिफरेंट मैंटालिटी का इंसान हूँ मैं लर्न करता हूँ उन लोगों से जिनसे हमें लर्न करना चाहिए मैं लोकल लोगों से शायद इतना लर्न नहीं करता जितना मैं इंटरनेशनल लोगों से लर्न करता हूँ जैसे हम कहते हैं कि भाई हम पीछे हैं दुनिया से तो जो लोग आगे हैं हम उनसे सीख लें अगर तो हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हो सकते हैं कल को तो वही सारी चीज़ें तो वेस्ट मेंटालिटी है उस वेस्ट मेंटालिटी को एबजॉर्ब करके उसको एक पाकिस्तानी फ्लेवर देके सारी ज़िंदगी मैंने काम किया है और यही मेरा माइंड सेट है जिसने मुझे अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में इससे ज़्यादा मुझे इंटरनेशनल रिकोगनीशन मिलाई है मेरे लोग कहते हैं इंटरनेशनल रिकोगनीशन क्यों इतनी ज़्यादा है सही पाकिस्तान में तो मैं अवार्ड कोई नहीं दे रहा इंटरनेशनल में दस लोगों ने अवार्ड दिए हैं सही है तुम बड़ी बड़ी कंपनीज को जज करते हो जीव्यू पैनल पर हो तीस ब्रांड्स के तीस ग्लोबल अवार्ड्स के तो कैसे हो तो वो इसके रीज़न सिर्फ मेरा माइंड सेट है मैं उन लोगों से सीख रहा हूँ जिन लोगों से दुनिया को सीखना चाहिए मेरे पास क्या आता है मैं पहली चीज़ ये कहता हूँ मुझसे ना सीखो मैं आपको कनेक्ट कराता हूँ इस बंदे से सीखो मैं उससे सीखता हूँ तो वाई नॉट मैं लोगों को उससे कनेक्ट कराऊँ जो मुझे इस लोकल मार्केट के बारे में सी बात चीज़ें पता है वो हम लोगों को गाइड करते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन यही है हद से ज़्यादा मेहनती मुझे बहुत पसंद है मतलब मुझे जो लोग जानते हैं सही है मैं सुबह आठ बजे उठता हूँ मैं रात को दो बजे सोता हूँ दो ढाई बजे बीच में नमाज के लिए उठते हैं तो आप समझ लें टोटल गिन के चार पाँच घंटे हैं ये चार पाँच घंटे मैं सोता हूँ इसके अलावा मैं पूरा दिन काम करता हूँ और मुझे मज़ा आता है काम करने में तो जो चीज़ आपको मज़े दे रही होती है ना वो उसमें आपको सुकून होता है कि आज भी लोगों से मिलते हैं पूरा पूरा दिन बोलते हैं काम करते हैं और सोचने का काम है मेरा मेन लेकिन ये कि मेहनती हैं और राइट डायरेक्शन में मेहनत करने की कोशिश करते हैं ओके okay. अच्छा जब आपने इंट्रोडक्शन दिया तो मैं तो खुद एक लर्नर हूँ और आपको पता है कि वेन एवर वी हैड डिस्कशन तो आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछूं मुझे पता भी है तो मैं उनको मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव क्योंकि हमें ए एक चीज़ बताई जाती है कि कराची जो है वो पाकिस्तान का गार्ड है इकोनॉमी का और फिर जो मेमन है दे आर जस्ट लाइक द किलर्स इन द बिजनेस उनको भाई कोई भी कारोबार दे दोगे वो चला लेंगे तो फिर मैं उस एंगल से सोचता हूँ फिर मैं अपने आप को समझता हूँ कि भाई हम पंजाब के मेमन हैं तो हम भी कुछ करने की कोशिश करते हैं सो इस सारी सैनारी में जब आपने बोला है ना मेहनत का आपने की इस्तेमाल किया कि आप मेहनत करते हैं फिर आपने एक की इस्तेमाल किया कि मेरा सोचने का काम है अच्छा मैं अपनी ऑडियंस के लिए ना बड़ी चीज़ें आसान रखना चाहता हूँ कि आप एक लेवल पे जाते हैं तो आप कहते हैं मेरा सोचने का काम है विच सीम्स टू बी वेरी इजी फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग राइट और वो लोग हमेशा यही बात करते हैं कि यार ये तो बैठा हुआ है इस पोजीशन पे इसके पास तो करोड़ों रुपया फिर एक और पर्सपेक्टिव है कि इसके बाप के पास पैसा था तो इसके पास तो पैसा होना बनता है ये टेलीमार्ट बिल्ड कर सकता था और मैं इस वजह से ये बातें आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि दे डो नॉट नो द रियलिटी दे डो नाट नो द थिंग्स यू हैव डन कि बाप के पास पैसा था अभी तो मैंने ज़ाया नहीं किया वट आई डिड तो ये चीज़ें ये जो कॉन्सेप्ट हैं कि मेहनत आपने पहले क्या की और हाउ यू चेंज इट इन टू सोचने का काम एंड देन वो जो बाप का पैसा था उसको बना के एंड हाउ डिड यू मेक इट इनफ बिगर कि अब वो बाप का पैसा तो चलो था, था. लेकिन उसमें आपने मल्टीप्लायर लगा के कहाँ तक लेके गए तो इस चीज़ को थोड़ा सा यार yeah, uh... आपके आखिरी पॉइंट से पहले स्टार्ट करता हूँ लोग कहते हैं कि यार बंदे के पास पैसा है अब्बा देखिए अब्बा को मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ हर चीज़ पे लोग मुझे जानते हैं आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मैंने आपको बोला यार हमारी सारी जिंदगी जब तक जिंदा है तो उसमें हर चीज़ का क्रेडिट मेरे वाले साहब को सही उसका रीज़न है कि उन्होंने हमें एक्सप्लोर करने दिया राइट बहुत सारे लोगों के बाप के पास पैसा है सही है क्या उनके बाप उनको काम करने दे रहे हैं नहीं करने दे रहे हैं खुल के काम कर सके नहीं कर सके मेरे वाले साहब का जो बिजनेस था वो एक अलग चीज थी जो वो करते थे सारी जिंदगी मुझे उन्होंने पैसे देखे बोला करो काम मैंने उसको जीरो ग्राउंड जीरो भी नहीं मैंने पहले उसको डिग किया है बैठ के क्योंकि मुझे पता नहीं था ई e कॉमर्स क्या होता है मुझे नहीं पता था रिटेल क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था right. मैं एक इक्कीस साल का बच्चा था जिसको कुछ नहीं पता था जिंदगी में कि उसको क्या करना है मैंने बैठ के चीजों को लर्न किया है उसके बाद मैंने चीजों को बिल्ड किया है सही है जितने पैसों में मैंने कंपनी बिल्ड की ना आज मुझे उसके दस गुना मुझे उसके दस गुना पैसे आप दे दें मैं ये कंपनी वापस बिल्ड नहीं कर सकता कितनी दफ़ा राइट अप्रोच एट द राइट टाइम सही है विथ राइट इन्वेस्टमेंट तो वो आपको फायदा देती है सही है जो कंपनी अलहमदुल्ला बिल्ड की है आज जिस जिसपे हम देखते हैं तो वो जो पैसे हमने लगाए थे ना उसके पता नहीं कितने सौ गुना बड़ी अलहमदुल्ला कंपनी बन चुकी है और उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि जो मैंने आपको मेहनत का भी बोला ना प्लस मैंने उसके साथ एक कीवर्ड यूज किया वो था राइट डायरेक्शन सही है कि मेहनत तो सब कर रहे हैं तो ये लेकिन क्या वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं आप अगर राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर सारी जिंदगी मेहनत ही करते रहेंगे सही है वही है ना मजदूरी एक बंदा कर रहा है वो आपसे और मुझसे ज्यादा काम कर रहा है एक्सैक्टली exactly. जो ब्रिक्स उठा रहा है जो बंदा यहाँ पे पठान होते हैं दूसरे होते हैं वो आप जो काम कर रहे हैं मजदूर है उस वो मेहनत हमसे ज्यादा करता है क्या वो राइट डायरेक्शन में है या वो कितनी दफ़ा वो मेंटली इतना इक्विप्ड नहीं था सही है जिसकी वजह से क्या हुआ अब जो ऑफिस में बैठ के हमें लोगों को लगता है यार हम काम कर रहे हैं सही है और अब लोगों को लगता है आसान काम है मुझे जो लोग बहुत पहले से जानते हैं ना उनको एक चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं आज भी जिस तरह हम काम करते हैं ना हम रोडों पे भी चले जाते हैं काम करते हैं पूरा पूरा दिन काम करते हैं कितनी दफ़ा हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम अपने आप को उस पॉइंट से उस रूट जो मुझे मैंने बताया लोग जानते हैं उनको ये पता है कि अहमद को इतनी माइन्यूट चीज़ें बिज़नेस की इसलिए पता है क्योंकि उसने वो सारे काम किए जब ऑनलाइन स्टोर बना मैं अकेला आदमी था जब मैंने स्टार्ट की कंपनी में अकेला आदमी था इसके बाद दो लोग रखे थे ऑर्डर भी हम प्रोसेस करते थे बनाते भी हम थे वेबसाइट पर भी हम देखते थे पोस्ट से भी हम बनाते थे हम सब कर रहे थे तो वो जो सारी चीज़ें करते गए ना तो हमें उस ग्राउंड रियालिटी से जुड़े रहे हमें सारे इंटीग्रिटी सारे मसले मसाइल पता है बिजनेस के फिर वो करते करते अल्लाह ताला ने उसका हाथ हमारा हाथ पकड़ा हमने उस तरफ गया और अब जो सबसे खतरनाक स्टेज होता है ना सबसे खतरनाक वो सोचने का स्टेज होता है सबसे खतरनाक स्टेज होता है लोगों को लगता है अब पार्टी करने का स्टेज है वो जो लोग पार्टी में गए हैं उन्होंने बोला आप हम अयाशी करेंगे आपका बिजनेस गया क्यों आपने उसको जब फोकस करना छोड़ दिया बिजनेस ओनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेटेजाइज करना हमेशा कहता हूँ बिजनेस ओनर कैन डू इज टू ऑपरेशंस जहां वो ऑपरेशन में डे टू डे उसमें चीज़ों में गया ना तो वो स्ट्रैटेजाइज नहीं कर सकता जो आज नाइनटी नाइन परसेंट पाकिस्तानी कंपनीज नहीं करती जिसकी वजह से कितने मल्टानेशनल आप देख लें पाकिस्तान में कितने बड़े ब्रांड्स नहीं उसका रीजन क्या है वो आज देखते हैं मैं कहता हूँ जो पास्ट और प्रेजेंट है उसको भूल जाए पास्ट तो फ्लश कर दे प्रेजेंट को देखने के लिए आपने लोग रखें एज अ बिजनेस और आपका सिर्फ एक काम है मैं बैठ के ये सोचूं मेरा काम बड़ा कैसे होगा मैं आगे दस अगले दस साल में क्या करूंगा और मुझे जब यहां पहुंचना है आगे दस साल में तो मैं इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तोड़ूंगा फिर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तोड़ूंगा कि मुझे ये चीज़ अचीव करने के लिए ये सारे से, ये स्टेप्स हैं जो मुझे करने पूरे और वो सारे स्टेप्स मैं करता जाऊंगा और सक्सेसफुल सोचना इतना क्रिटिकल काम है क्यों वो डिफाइन करता है आपकी पूरी कंपनी के डायरेक्शन अगर आपकी सोच लिमिटेड है सही है या आपकी सोच बिल्कुल ही फारिग थी कि आप उल्टे डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी कंपनी का फ्यूचर डिफाइन करता है और आपका भी फ्यूचर डिफाइन करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट साब सबसे क्रिटिकल काम होता है सोचना उसके बाद उस पूरी सोच को एब्जॉर्ब करके उसके पूरे मतलब कहता हूँ प्रोसेस फ्लोज तक बनाना मैं इस तरह सोचता हूँ कि ये नहीं सोचता कि मुझे ये करना है ये तो करना है चलो सही है उसके नीचे उसको अचीव करने के लिए पूरा प्लान और वो प्लान इसके बाद अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं रियलिटी देखते हैं उसकी कि यार क्या ये रियल रियलिटी में हो सकता है राइट right. अगर हो सकता है तो पाकिस्तानी मार्केट में किस किस तरह मैं तो जितने प्लान बनाता हूँ मैं इंटरनेशनल मार्केट के प्लान्स भी उठाता हूँ इसके बाद मैं उसको मैच करता हूँ कि इस कंपनी ने जिसको मैं फॉलो करता हूँ चार कंपनीज़ को उसने ये किया तो यहाँ पहुँचा ये किया तो यहाँ पहुंचा उसने उसकी पूरी पूरी केस स्टडीज़ पढ़ता हूँ मैं सही है तो मैं उन सारी केस स्टडीज़ को पढ़ता हूँ इसके बाद पाकिस्तानी मार्केट को देखता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट यहाँ खड़ी हुई है इसमें ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होंगी एक चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होगी या मैं अपनी कंपनी का एक फ्लेवर डाल सकता हूँ तो ये फ्लेवर डाल देता हूँ ये यूएसपी क्रिएट करता हूँ और फिर जाके उस पूरे मॉडल की इंप्लीमेंटेशन आती है तो ये जो स्ट्रैटेजी बनाना उसके पूरे फ्लोज बनाना प्रोसेस फ्लोज इसके बाद जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत बड़ा पेन एरिया होता है क्योंकि ये 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 डिफाइन कर रहा है बाकी तो सब ऑपरेशंस कर रहे हैं ऑर्डर आ गया उसको प्रोसेस कर रहा है उसमें क्या कमाल है उसका चाहिए वो तो कोई भी बंदा कर सकता है वो ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो कम पढ़ा लिखा हो मैं कहता हूँ फिर वो वाला काम है कि आप कहते हैं वो लगा दो घोड़े की तरह और वो लोग चाहते रहो तो वो लोग करते हैं तो मेन काम आपका ये है कि आपको ये नहीं लगा होना चाहिए आपका ये ओपन होना चाहिए आप हर तरफ देखेंगे और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे मुझे कहाँ जाना है तो ये बहुत क्रिटिकल काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और सबसे ज़्यादा इसमें आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है लोगों को लगता है कि जो फिज़िकल चीज़ें होती है उसमें आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है उससे ज़्यादा मेंटली होती है जो इंसान फिजिकली साउंड हो मेंटली डिस्टर्ब हो वो कभी जिंदगी में अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकता तो सेम यही चीज कंपनी के लिए भी होती है सही है कि जब आप मेंटली साउंड है आपका बिजनेस ओनर और वो अपने पूरे माइंड को यूज करता हुआ जा रहा है तो वो सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है इसीलिए फिर हम जैसे लोग मैंने आपको बोला ना स्टैंड अप कॉमेडी रात में रोज बैठ के देखते हैं रोज रात को बैठ के मूवीज चीजें देखते हैं उसलिए ताकि हम यहाँ से फ्रेश हो ताकि कल फिर दिमाग चला सके हाँ इनशाला अच्छा अहमद भाई क्योंकि मुझे बेस समझ नहीं है ना कि मैंने एक जो लिसनर है हमारा ही हिज फादर आल्सो हैज़ मनी चलो ठीक है डिसाइड हो गया अब मैंने ई e कॉमर्स ही करना है मैंने क्यों करना है आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी एंड व्हाई डिड यू चूज़ ई कॉमर्स ये थोड़ा सा बताते हैं यार मैं जब स्टार्ट किया मैं अपने बैचलर्स के दूसरे साल में था मैं अपना बी कर रहा था एक यूनिवर्सिटी है सी वहां वहाँ पर कराची में वहां से कर रहा था एंड uh, मुझे कारोबार करना पड़ा मुझे कोई दिल नहीं था कारोबार करने का सही है वाले साहब की कंपनी थी वो हाईजैक हुई एक बड़ी स्टोरी है वो भी ना एक बड़ा ट्रॉमा है वो सही है तो मैं बड़ा हूँ घर में तो मेरे ला कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तो हमने काम स्टार्ट किया हमने बोला चलें काम स्टार्ट करते हैं अब हमने काम स्टार्ट किया ई कॉमर्स क्यों किया पहले ये बताता हूँ दो में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था तेरह का स्टार्ट था अब मैंने सारी जिंदगी फ़ोन्स देखे हैं मेरे वाले साहब ने मोबाइल फ़ोन के सबसे पहले आदमी थे पाकिस्तान के इन्होंने काम किया आज भी आप मोबाइल फ़ोन के मार्केट में जाके मेरे वाले साहब का नाम लेते सब जानते हैं पूरे पाकिस्तान से तो मैंने बचपन से जैसे लोग खिलौने देखते मैंने फ़ोन देखे थे दे। तो मेरे लिए दिमाग में एक ही चीज़ थी कैटेगरी वो थी फोन इसके अलावा समझ ही कुछ नहीं आता सही है फोन पसंद भी है समझ भी आती है मार्केट कुछ ना कुछ क्यों वाले साहब के साथ बैठ के कुछ ना कुछ सलाम दुआ होती है चीज़ें सीख लेता है आदमी कि इंडस्ट्री में ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है मशवरा करने के लिए आपको पता है यार मेरे पास एक मिनट है मैं इनसे पूछ सकता हूँ कभी भी जाके यार ये मैं काम कर रहा हूँ इसमें क्या इशू मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था मैंने यार मोबाइल फ़ोन होलसेल कर रहे हैं यहाँ एक लाहौर का भी ब्रांड है G5 मैं उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर था सही एक कॉल कॉलमी ब्रांड आया था उसका था बाकी ब्रांड से मैं डायरेक्ट लेता था मान तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ हल्की फुल्की स्टार्ट की लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन मेरे दिमाग पर क्लिक नहीं हो पाई सही है क्योंकि वो एक बड़ा कन्वेंशनल सा मॉडल है कि जैसे लाहौर में अफ़ीज सेंटर है वहाँ बैठे हुए हैं आप या कराची में सदर मार्केट है वहाँ बैठ के आप बेच रहे हैं वो जो लोग आ रहे हैं नॉर्मली आपका उनका एज वो जो ब्रैकेट है वो बहुत अलग है सही है आप मैं बिल्कुल जवान 21 22 साइस तेईस साल का लड़का उसके बाद वहाँ पे वो सारे अंकल आ रहे हैं सही है उसके बाद उनके स्टाइल बहुत अलग फिर वहाँ गुटके वाले भी चल रहे हैं फुल ऑन अलग माहौल है तो मैं उस उसमें अपने आप को ब्लेंड नहीं कर पाया सही है तो हमने बोला कि हम थोड़ा सा फैंसी काम करेंगे हम थोड़ा सा ई कॉमर्स क्यों करेंगे मैं दो हज़ार आठ नौ तो आठ नौ था मेरे ख्याल है तो मैंने ई कॉमर्स में बायर था सही है मैं 2009 से अमेजोन का सेलर भी हूँ सही ये लोगों को बहुत कम लोगों को है, आप पता है आपको पता बताया ओके तो डॉट कॉम का मैं सैलर हूँ यूएसए का सही है तो मैंने वो उस टाइम पे स्टार्ट किया क्यों मेरी फैमिली रहती थी उस टाइम तो कोई जुगाड़ ही नहीं थी ना इस तरह लोग अकाउंट बनाते थे तो मेरे मामू के बेटे मामू सारे लोग वहीं रहते हैं यू एस सिटीजन है सारे हमें कभी दिल नहीं हुआ जाने का तो हमने सिर्फ ये बोला था कि यार तुम जरा ये सेटिंग बना दो हम अमेजन का अकाउंट खोल लें तो उनके नंबर पर सोशल सिक्योरिटी नंबर पर हमने खोल दिया था अकाउंट तो मैं उस टाइम से ई कॉमर्स खुद हल्का फुल्का दिख रहा था प्लस मैं ई कॉमर्स का बायर था मेन मेरा गेम था मैं ई कॉमर्स का बायर था बहुत सॉलिड सही है मतलब कोई दुनिया का ऐसा ऑनलाइन स्टोर नहीं था जिससे मैंने ना खरीदा राइट right. मैं लोकल नहीं खरीदता था मैं सब इंटरनेशनल खरीदता था सही है मैंने मैंने इवन फ्लिपकार्ट इंडिया से खरीदा हुआ है मैंने सूख से खरीदा हुआ है लजाडा के अलग अलग उससे वो मुल्कों से खरीदा हुआ है अमेजोन में अलग अलग मुल्कों से ई से खरीदा हुआ है हर जगह से खरीदता था मैं मैंने एक सर्विस लेके रखी थी वो मैं खरीदता था वो मेरे घर पे पहुंचा देते थे पूरी दुनिया से आज भी मेरे पास वो सर्विस मौजूद है सही है तो मैं ये कर रहा था अब जो मैं ई e कॉमर्स देख रहा था जो मैंने खुद शॉपिंग की है वो बहुत अलग चीज़ थी दुनिया क्योंकि दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सारे प्लस मैं जब होलसेल कर रहा था ना तो पाकिस्तान के दो तीन ई e कॉमर्स प्लेयर थे जो मुझसे खरीदते थे, थे उस टाइम के और मैं उनको देखता था मैं कहता था यार ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ज़मीन और आसमान ही अलग है इनके तो मतलब right. तो तो एक खड्डा खोद के दो फिट नीचे बैठे हुए हैं दूसरा साथ में आसमान टच करने वाला है तो हमने फिर बोला कि यार यहाँ गैप अच्छा है तो वाई नॉट हम इस गैप को फिल करें थोड़ा सा फैंसी काम है। अच्छा भी है एक चीज अगले को बारह हजार की देता हूँ वो तेरा चौदह हजार की बेचेगा कॉम्पीट बेच भी नहीं कर पाएगा तो मेरे पास प्राइस एज भी होगा क्योंकि इनिशियल पेनेट्रेशन के लिए आपको एक प्राइसिंग एज चाहिए होता है सही है वो हमें मिल रहा था ठीक है हमने फिर वही मोबाइल और इससे रिलेटेड कैटेगरीज आसपास इससे स्टार्ट किया करते करते उसमें ई e कॉमर्स एक टाइम तक हमें लगा कि यार चलेगा 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 आज भी पाकिस्तान में लटक रहा है हुआ मैं ई कामर्स अच्छी बात है सच्ची बात है उसमें कोई दो राय नहीं है लोग मुझे कहते हैं आप बड़े ब्लंट हैं इस चीज़ में तो मैं हमेशा आज भी लोगों को कहता हूँ ई e कॉमर्स पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है चलना उसके पीछे की रीजनिंग देता हूँ और मैं ई e कॉमर्स सिर्फ पाकिस्तान नहीं और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिन पर मैंने रिसर्च की हुई है कि उनमें भी ई कॉमर्स अगर नहीं चलना ना तो उसके पीछे की देखें एक बड़ी सिंपल सी साइकोलॉजी बड़ी सिंपल सी चीज़ें आप लर्न करते हैं पाकिस्तान में लोगों के लिए तफरी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हर शहर की अलग अलग रही अब मैं आपको कराची बताता हूँ सही है दो तफरी टोटल दो एक खाना एक शॉपिंग ओके अब अगर उससे मैं शॉपिंग भी छीन तो मैं ऑनलाइन करो तो बचा क्या उसकी जिंदगी में सही है तो आपने तो अगले की जिंदगी बर्बाद कर दी यार तो मैं उसको कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर लाऊ तो ये अब वो ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करेगा वो कन्वीनियंस के लिए कर सकता है कि कराची में रश बहुत है यार चार करोड़ बंदा आपने ठूस दिया इतने से शहर में सही है तो क्या है लोग बोलेंगे कन्वीनियंस के लिए यार वहाँ सदर जाऊंगा यार शॉपिंग के लिए वह गाड़ी लगानी पड़ेगी फिर गाड़ी उठ जाएगी फिर इतनी टेंशन फैमिली को लेकर जाऊँ ना जाऊँ इस तरह के लोग होंगे ऐसी नज़रें होंगी तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग कुछ ना कुछ धक्का स्टार्ट चल रही होती है लेकिन क्या वो अपने पोटेंशियल को टच कर रही है नहीं कर रही उसके पीछे ये और भी रीजनिंग होती है सही है जैसे आपके मुल्क में पे इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है सही है इक्कीस तेईस परसेंट है आखिरी रिपोर्ट के हिसाब से सही है आपके पास मुल्क में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इज समवेयर अराउंड ट्वेंटी सेवन परसेंट आखिरी रिपोर्ट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट समथिंग परसेंट कहती है अगर सिर्फ छब्बीस परसेंट लोगों के पास स्मार्टफोन है तेईस परसेंट लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं आप कैसे बड़ा बिजनेस बनाएंगे और आज भी आज भी ये पंजाब में इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है आप कराची आए मिड सिटी बंद हो जाएगा इंटरनेट आपका कराची हैदराबाद जाएं आपके पूरे मोटरवे पर आपको तकरीबन जो है इंटरनेट नहीं चलेगा सही ठीक है मैं अभी आया हूँ लाहौर से फैसलाबाद मेरा इंटरनेट एक सेकंड नहीं रुका आपको पता है ये तो अब मैं मुझे तो खुशी हुई मैं चलो इंटरनेट चलेगा तो लोग शॉपिंग करेंगे आपके मुल्क में इस नारी होता है ना कि जहां पे अचानक से दो पॉलिटिकल पार्टियों का तीसरों का मसला होता है नौ दिन इंटरनेट नहीं चलता इस मुल्क में सही है तो मैं किस तरह काम करूंगा तो हमने क्या हमने बोला हमने बोला यार आज भी पाकिस्तान में दो से ऊपर ई कॉमर्स नहीं होता लोग आपको तीन चार और पांच बोलेंगे मैं दो से ऊपर मानता ही नहीं सही है मैं आपको स्टार्ट नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ दो से ऊपर नहीं है सही है मैं फिर भी डेढ़ के आसपास पास हूँ मैं दो उसको लमसम बता रहा हूँ आपको सही है मैंने क्या मतलब यार जब नाइनटी मार्केट खाली है वो रिटेल है और वहीं पे शॉपिंग हो रही है मैं क्यों ना उस मार्केट को टैप करूं फिर हमने ई कॉमर्स से पूरा शिफ्ट लिया हमने बोला ई कॉमर्स करते रहेंगे कोई टेंशन नहीं ये अपनी जगह बनाता रहेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो करेगा लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए खासकर मार्केट प्लेस के लिए यू नीड टू हैव अ बिजनेस जो उसको फ्यूल कर सके सो so ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पूरी दुनिया में पैसा नहीं बनाती भाई राइट right. सही है ना दुनिया में बनाती है ना पाकिस्तान में ना कहीं भी बनाएंगी पैसा क्योंकि हमारे ओवर हेड छत फाड़ के ऊपर होते हैं सही है हमारा बहुत ओवर होता है सही है हमारी कॉस्ट बहुत होती है ब्रांड ऑनलाइन स्टोर चल जाते हैं जहाँ प्राइवेट लेवल आप अपना ब्रांड बेच रहे हैं वहाँ आपके पास मार्जिन है अब यहाँ पे आपके पास मार्जिन ही नहीं है किसी चीज़ में अब एक एयरबड पे बनाते ही मैं तीन सौ रुपए उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर मैंने सिर्फ पाँच सौ रुपये की कॉस्ट दे दी फेसबुक को तो मेरे लिए तो ग्रॉस लेवल नुकसान है वो सही है फिर मेरी दूसरी कॉस्ट है उस पर लगती है ओवरहेड लगेगा तो मैं माइनस करूंगा तो हमने रिटेल डिविजन बनाया कि एक मेजर डोमेन है नाइन्टी का हमने उसको ऐड किया इसके बाद हमने बोला यहाँ से पैसे बनाएंगे सही है उसके बाद यहाँ पे पैसे डालेंगे फिर हमने कॉर्पोरेट डिवीजन बनाया कि हम कॉर्पोरेट कंपनीज को सप्लाई करेंगे फिर हमने बी डिवीजन बनाया कि आज बहुत सारे ऐसे बड़े बैंक्स हैं दूसरे बड़े इदारे हैं जो आपको दिख रहा होता है ये मोबाइल भी बेच रहा है ये टेक बेच रहा है इलेक्ट्रॉनिक बेच रहा है उसके पीछे टेलीमार्ट को हमने जाके प्लग इन कर दिया हम कहते हैं माल जो भी भेजेगा ना लेना हमसे सही है बड़े बड़े बी टू बी प्लेयर्स हैं जिनसे आज हमारी बातें चल रही हैं कुछ हमने साइन कर ली हैं जो आपको दिखेगा अनकरीब कि वो अचानक से एफ एम बेचते बेचते मोबाइल फोन भी होलसेल करना शुरू कर देंगे चाहिए उसके पीछे कौन है टेलीमार्ट तो हम उस बिजनेस मॉडलिंग पे हमने काम किया कि जहां लगा पे अली बाबा ऑपरेट करता है नो बडी इन पाकिस्तान कैन कॉम्पीट अली बाबा सही है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेट दैट इज फॉर श्योर कि कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता अली बाबा को सही है पाकिस्तान का सारा बिजनेस मिल जाए ना सारे बिजनेस तो भी अली बाबा को टक्कर नहीं दे सकते सही है वो टेक्निकली और साउंड भी है प्लस उसके डीप पॉकेट्स हैं उसको टेंशन नहीं है पैसे की वो उड़ाता रहेगा सही है आपको भी पता है हमें भी पता है कि जो प्लेयर है अली बाबा का वो कितने पागलों की तरह पैसे उड़ाता है सही है साल का कितने अरबों रुपये लॉस करता है सही है तो हम उसको कॉम्पीट नहीं कर सकते तो हमने बोला कि यार वेन यू वॉन्ट टू बी इन अ स्पेस जहाँ पे इस तरह का प्लेयर है एंड यू कांट कॉम्पीट डायरेक्टली तो इट्स बेटर टू ड्रॉप पैरलर लाइन्स कि मैं भी यही करूंगा लेकिन अलग तरीके से करूंगा मैं कॉम्पीट तुझे करता रहूंगा भाई मैं उसी रोड पे आके नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम्हारे पास लंबर ही नहीं है मैं शायद करोला चला रहा हूं सही है तो अच्छा नहीं लगेगा इतनी बुरी तरीके से हारना नहीं तो हम क्या बोलेंगे करें हमारी दोनों की मंजिल है सही है मैंने रिटेल इसलिए अटैच किया कि अली बाबा रिटेल पर नहीं जाता जाता भी अगर रिटेल को डोमेंस में जा रहा है तो उस सिनारी में वो अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को शिप नहीं करता उस तरफ अलग से बिजनेस जरूर ला सकता है कल को मैं उसको कॉम्पीट करने के लिए तैयार हूँ और हमने क्या कि इंटरनेशनल केस स्टडीज स्टडीजाई कि रिटेल में कौन से बड़े प्लेयर्स हैं तीन जो इस तरह के मॉडल पे काम करते हैं हमने उनको रेप्लीकेट किया मतलब मैं अगर ई कॉमर्स है ई कॉमर्स में अगर आप मेरे जाके मेरे इवन वेबसाइट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यार ये बड़ा क्लोज है फ्लिपकार्ट के आसपास क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ उसको एज अ प्लेयर मैं कहता हूँ फ्लिपकार्ट इज़ अ केस स्टडी फॉर एवरीबडी इन ई कॉमर्स टू लर्न सही आप उससे लर्न करें आप, आप तबाही फेज दें क्यों सिमिलर डेमोग्राफिक्स हैं तो इस तरह की बिजनेस मॉडल बनाया कि भाई ई कॉमर्स में जाना है तो क्यों जाना है फिर ई e कॉमर्स से शिफ्ट लेना है रिटेल में तो क्यों लेना है तो एक पूरा बिजनेस मॉडल है और राइट टाइम पेविट करना अच्छा होता है अगर मैं उस टाइम पे पेविट नहीं करता सही है तो आज मैं अपसूट हो चुका होता मैं कितने टाइम तक घर से पैसा डाल दूँगा सही है? तो तरीका ये होता है कि आप बोलो मैं ये सारी चीज़ें करूँ मेमन है ना भाई मेमन है तो एंड में मैं हमेशा से कहता हूँ मेमन डोंट अंडरस्टैंड लूजिंग मनी तो ये जब आपके पास पैसे कम होते हैं ना हमारे पास कम थे बहुत कम पैसे थे सही है जब हमारे पास जब आपके पैसे कम होते हैं ना तो आप दिमाग चलाते हैं वरना आप पैसों से सोचते हैं सही है कल मेरे पास एक लड़का है कह रहा है कि पैसा बहुत है भाई मतलब आप बताओ बिजनेस क्या करूँ मैं बना तुम नहीं कर सकते मैंने उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज रीड करके बोला तुम्हारा काम ही नहीं है बिजनेस करना क्योंकि पैसे से बिजनेस नहीं होता बिजनेस यहाँ से होता है पैसे से थोड़ी तुम बिजनेस बना सकते हो मजा को, को, कोई पैसे अगर स्टार्ट में दे दे किसी को भी और तकरीबन लोग इसलिए फ्लॉप होते हैं क्योंकि बिजनेस आइडिएशन से लेके पूरी आगे की फोरकास्टिंग तक बनता है इतना बड़ा बिजनेस प्लान होता है ये बुक्स में नहीं है सिर्फ बिजनेस प्लान वो बिजनेस प्लान रियलिटी में होता है तो हमने इस तरह बिल्ड की कंपनी करते गए आज भी बहुत सारी चीजों में हम पिवट कर देते हैं जहां गलती होती है ना कि हमें लगता है यार ये हमने चीज की बड़ी फसूल थी बंद करो उसको मैंने बहुत बड़ी बड़ी चमाटे ली हैं मैं कहता हूं हाँ गलती हो गई हम इंसान के बच्चे ना सही टाइम पे गलती मान के उसको बंद करके आगे बढ़ना है ना वो कमाल है सबसे ज्यादा ईगो पर नहीं होती है बिजनेस मैन भंड हो जाता है हम कहते हैं भंड हो गया हमसे हम बंद करते हैं हम आगे चलते हैं बिल्कुल ठीक है अच्छा मैं आ, वो जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि इनसे बात करके बंदा इतनी चीज़ें समझ रहा होता है सीख रहा होता है कि बंदे के जहन में पंद्रह सवाल आते हैं और उतनी देर में आप नए पंद्रह सवाल डाल के आगे चले जाते हैं तो बहुत सारे सवाल आता है लेकिन मेरे ना मैं अक्सर मुझसे कोई पूछता कि यार मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ मैं ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरा हमेशा से स्टांस बड़ा डिफरेंट रहा है और बहुत सारे लोग मुझे उस पर कहते भी हैं कि यार तुम इस तरफ क्यों नहीं आते तो मेरा जो स्टांस वो थोड़ा सा मुझे रिलेट करता हुआ यहाँ पर नजर आया कि इफ़ यू हैव समथिंग स्ट्रॉग एज अ प्रोडक्ट ऑफ योर ओन देन यू शुड स्टार्ट ई कॉमर्स अदरवाइज देर इज़ नो फ्यूचर एम आई राइट इन दिस ऐसा ही है देखिए प्रोडक्ट लेवल ई कॉमर्स ही अच्छा है कि जहाँ आप अपने ब्रांड ये जो वाइट लेवल स्टोर्स है ना ये आज आपको पैसे बना के दे देते हैं सही है एक दो महीने चार महीने साल डेढ़ साल दो साल फिर क्या करेंगे प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट सब बेच रहे हैं आपकी यूनिकनेस क्या है राइट right. आपकी कोई यूनिकनेस नहीं है तो हमेशा से मैं कहता हूँ आप इन्वेस्ट करें राइटली ब्रांड पे अपना ब्रांड बनाएं अपने प्रोडक्ट्स बनाएं उसमें आपके पास मार्जिन सिक्योर होते हैं बड़े मार्जिन होते हैं आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कॉस्ट भी उसमें पर डाल सकते हैं आपके सामने हम थोड़ी कर रहे थे। कुछ हैं जो 60 लाख 70 लाख महीना मैं लगा देता हूं। कोई टेंशन नहीं है मुझे आज भी सेंस में रहा है वो। तो लेवल बड़े हो सकते हैं लेकिन क्या सिर्फ वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग से बड़े आई सो सही है परफॉर्मेंस मार्केटिंग से आज हो जाते हैं कल अचानक से मैं जानता हूँ कुछ ब्रांड्स को तो ये मैं नाम नहीं कोट करूंगा कुछ ब्रांड जैसे माशाल्लाह के वो एड चलाते रहे चलाते रहे साठ सत्तर लाख ऐड चला रहे अचानक से एड अकाउंट बंद हो गया दे आर बैक टू जीरो लिटरली बैक टू जीरो अब क्या करेगा वो ये उसके पेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक बंदे को एक बंदे, को। एक बंदे के पेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जो साठ सत्तर लाख रुपये ऐड चलाता है अगले दिन से ही इज एट पॉइंट जीरो मैं हज़ार ऑर्डर करता था यार मैं तो डायरेक्ट चालीस पे आ गया चालीस ऑर्डर पे आ गया हजार से अब ये फैब्रिकेटेड नंबर होता है तो होता क्या है कि जब उनकी ऑर्गेनिक सेल की कोई सोच ही नहीं है सोच देखिए मैं पहले बोला सोच का नाम है बिजनेस आप बोले मैं पैसे लगाता लगाता रहूंगा रहूंगा चलता रहेगा लगातार ये कोई कमाल नहीं है कल फेसबुक अपना एल्गोरिथम चेंज करता है ना सारे लोग मातम कर रहे होते हैं exactly. सही है कि यार एल्गोरिथम चेंज हो गया इतनी बड़ी कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है कन्वर्जन नहीं आ रही या फेक कन्वर्जन दिखा रहा है फेसबुक करता है फेक कन्वर्जन भी दिखाए उसने हर चीज करेगा आपको सही है? वो आपका ऐसा दिमाग खराब कर देगा कि एंड और कल को फेसबुक कल को बंद हो जाता है क्या करोगे मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस बनता है ना वो वर्स्ट के सिनारियो सोच के बनता है हर चीज आपकी हर हर साइंस आपकी होनी चाहिए कि वर्स्ट सिनारियो क्या होगा ये हो जाएगा अगर क्या आप उस सिनारियो के लिए रेडी हैं आज अगर नहीं है ना तो आपने कुछ गलत काम किया है और आज अगर नहीं है तो अपने आप को उस चीज के लिए रेडी कर लें टेलीमार्ट का रिसेंटली रिसेंटली टेलीमार्ट का फेसबुक का पेज जो है वो फेसबुक ने उड़ा दिया सही है आज भी डेढ़ महीना हो गया तकरीबन तो हम फेसबुक से बातें कर रहे हैं खोल दो भाई खोल दो मेरा पेज 2013 का पेज है 2013 के जनवरी या फेबर में बना था उसपे वन पॉइंट मिलियन लाइक्स जेनवन लाइक्स सही है और कितने करोड़ों रुपए की मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी उस पेज पे सही है वो पेज अचानक रातों रात बंद कर दिया और इंस्टाग्राम दोनों बंद कर दिया फेसबुक ने टेलीमार्ट इज स्टुल सही है द रीजन इज उसकी पीछे की थिंकिंग कि मैं मैंने ये सोचा हुआ था कि कभी ये बंद करेगा तो मैं क्या करूंगा सही है और वो जो कंटेजेंसी प्लान भी था ना वो रेडी था हमारे पास अगर वो नहीं होता ना तो आज आप आवाजें सुन रहे होते कि टेलीमार्ट ने इतने बंदे निकाल दिए या टेलीमार्ट बंद करने जा रहे क्योंकि आपको पता है कि मेरा इसके अलावा तो सर्वाइव नहीं कर सकता तो ये इस तरह की प्लानिंग और ई e कॉमर्स में जो प्रोडक्ट लेवल बिजनेस है उसमें आप हमेशा मैं कहता हूँ नेसेसिटी ढूंढें सही है लग्जरी ज ए गुड थिंग टू गो फॉर लेकिन लग्जरी बहुत लॉन्गर रन में आपको बेनिफिट देता है और लग्जरी देखिए आप छोटा मोटा ब्रांड बनाना चाहते हैं छोटे प्रोड़क्स, सस्ते प्रोडक्ट्स तो आप कम पैसों में कर सकते हैं ई कॉमर्स पैसे का गेम नहीं है दिमाग का गेम है आपने राइट प्रोडक्ट ढूंढ लिया ना सही है मैं हमेशा कहता हूँ सबसे ज्यादा कामयाब आपको आप पता ई e कॉमर्स टोर ज्यादातर कौन से हुए हैं या तो वो जो फैक्ट्री वाले थे खुद सही है आपके फैसलाबाद में भी कुछ इस तरह के हैं सही है आपके हमारे दोस्त यार भी इतफाक से कुछ है। और दूसरे वो लोग हैं वो लोग हैं जो कराची बैठे हैं पोर्ट सिटी है तो सारे लोग कराची के क्यों कामयाब हो रहे हैं उसका रीजन है वो इतनी अच्छी प्राइसिंग पे चीज़ उठा लेते हैं कि दूसरा उनको कॉम्पीट नहीं कर पाता सही है फॉर एग्जाम्पल अगर स्पोर्ट्स गुड आपको बनाना है तो सालकोट से ऊपर कोई जीत ही नहीं सकता कराची भी नहीं जीत सकता उससे चाहिए तो गुजरा वाला में जो क्रॉकरी है वो नहीं जीत सकता कराची वाला उससे कभी भी सही है फैसलाबाद में टेक्सटाइल है तो आप हमेशा उठाएं कि कौन सी चीज़ है जो मैं राइट प्राइस पर उठा सकता हूँ बिजनेस की प्रोडक्ट की सबसे पहली चीज होती है प्रोडक्ट कॉस्ट अगर आपने राइट परचेजिंग की है ना तो आप अच्छा ब्रांड बन सकता है मेरे एक जानने वाले ने बीच में बोला यार मैं जूते का ब्रांड बनाऊंगा और जो जूता नॉर्मली लोगों को साढ़े छह सौ रुपए में सात सौ रुपए में बन रहा है उसने वो बारह सौ रुपए में उठाया है। अब क्या वो कॉम्पीट कर सकता है मार्केट में नहीं कर सकता उसने बोला तो यार मैं छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ छोटा छोटा करूंगा स्टार्ट तो मैंने बोला छोटा छोटा करने के लिए तुम तो बचोगे ही नहीं आगे बड़ा काम करने के लिए क्यों क्योंकि जिसने साढ़े छह सौ में बनाया है वो हो सकता है हजार रुपए का तो बेच दे बारह सौ का वो बेच देगा तुम्हें तो बारह सौ का पड़ा है तुम दो हज़ार से नीचे नहीं बेच सकते तो तुम कम्पीट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी सेम है लेकिन इकोनॉमी ऑफ स्केल का गेम था कि उसने ज्यादा बना लिया थे। तुमने कम बना तो हमेशा प्रोडक्ट की जो वो है ना सो वो सबसे बड़ी चीज ये आप रिसर्च करें लोग भूल जाते हैं लोग सोचने को तैयार नहीं है पहले सोचो प्रोडक्ट क्या बनाना है किस तरह का प्रोडक्ट होगा किस मार्केट के लिए होगा किस प्राइस पॉइंट पे होगा मैं इसको मार्केटिंग किस तरह करूंगा और अगर ये फेल होता है तो मैं क्या करूंगा फेल होता है पहले सोच लो मैं तो मैं हमेशा कहता हूं लोग मुझे कहते हैं बड़ा नेगेटिव आदमी है लेकिन अगर मैं वो नहीं सोचूंगा ना तो मैं आज उस चीज़ों पर मेहनत नहीं करूंगा कि मुझे पता होगा मेरे पास फेल होने का ऑप्शन नहीं है जब फेल होने का ऑप्शन ही नहीं रखा ना आपने फिर आप मेहनत करेंगे तो प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट आज भी मुझसे मैं तो मैं मशवरे लोगों को नहीं देता फिर भी इतने लेकिन मैं लोगों को बताता हूँ आज भी जो सर से लेके पैर तक आप प्रोडक्ट्स पहने हुए हो ना आज भी उनमें स्कोप है आज भी बिकती हैं वो सारी चीजें जूते आज हाँ भी बिकते हैं यार आप एक प्रोडक्ट चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सही है आपकी ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे लोग ये काम करेंगे भी अच्छी बात है कर ले चलो वो एक मार्केट डेवलप हो जाएगी पाकिस्तान में पच्चीस करोड़ लोग हैं सही है पच्चीस करोड़ डिक्लेयर्ड लोग हैं इससे ज्यादा ही होंगे ठीक है पच्चीस करोड़ लोगों में से मैं कहता हूँ कितने लोग होंगे जो सिगरेट पीते हैं आज आठ करोड़ बंदा होगा मानते हैं आप इस बात को आठ कोट बंदा सिगरेट पीता होगा पक्की बात ठीक है हम जैसे कम होंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में शीशा भी नहीं पिया बहुत कम लोग होंगे सही है वरना तकरीबन लोग सिगरेट पी रहे हैं अब आप एक सिगरेट पीने वाले की मैंने आपको बोला जैसे मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज उनकी सारी हरकतें पढ़ता हूँ मेरी आदत है सही है तो कस्टमर को आप स्टडी करते हैं ना तो आप हर की हर चीज़ प्रोडक्ट प्राइसिंग हर चीज़ अच्छी होती है मैंने एक स्टडी किया है सिगरेट पीने वालों को आप भी नोट कीजिएगा सही है सिगरेट पीने वाले का एक स्टाइल होता है जब भी वो बैठेगा ना जब भी बैठेगा जेब से डब्बा निकालेगा सबसे पहला काम जेब से डब्बा निकालेगा सामने टेबल पे रखेगा फिर बैठेगा सही है वो जेब में इस नहीं रखता है कि वो डब्बा टूट जाएगा दब जाएगा सही है अब जब वो सामने टेबल पे रखता है ना तो दूसरी चीज पता है क्या करता है फोन या वॉलेट उसके ऊपर रख देता है उसका रीजन पता है क्या है उस पर गंदा सा फेफड़ा बना हुआ है कैंसर वाला या एक पाऊं बना हुआ है कैंसर वाला वो नहीं चाहता कि वो चीज ऐसी सामने दिख रही हो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको पता है पूरी दुनिया में सिगरेट के कवर्स होते हैं डब्बे के कवर आते हैं तो लेदर का कवर आपको पता है फॉल लेदर का होता है ओरिजिनल लेदर नहीं होता है, सही है तो उस लेदर का कवर जो है वो जो बेसिक कवर है वो पाँच सौ रुपए का मिलता है कराची में अगर आप पचास पीस लेने जाओ तो भी वो आराम से एक से डेढ़ हजार का आराम से मिलता है उसमें अगर आपने लेदर का बना लिया क्वालिटी अच्छी कर ली उसमें डिजाइनिंग कर ली पर्सनलाइज टच दे दिया उस पर लिख दिया नीचे कासिम है ना, ना कासिम आगा लिखा हुआ उस पर रूफ लिखा हुआ उस पर अब वो बिकेगा क्यों नहीं बिकेगा और इसमें इतनी अगर आप मैं कहता अली एक्सप्रेस जाके देखें अरे हजारों में उसके डब्बे के कवर हैं यार और ये डब्बे का कवर आपने अच्छा बना लिया तो लोग बिल्कुल लेंगे भी भी। सिगार लोग आपको पता है तकरीबन लोग सिगार क्यों पीते हैं उसके स्टाइल की वजह से पीते हैं उसके बॉक्स की वजह से पीते हैं चाहिए तो वही चीज़ आप उसको सिगरेट पे अपग्रेड करें हाँ टू पीने वाला आपसे नहीं लेगा सही है लेकिन बाकी लोग तो लेंगे ना आपसे तो हमेशा प्रोडक्ट इस हिसाब से सोच के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाएं प्रोडक्ट लेवल बिजनेस ई कॉमर्स में चलेगा हमेशा चलेगा और ब्रांड्स ही चलेंगे ये जो वाइट लेवल स्टोर में बच्चों को लगाया हुआ है ना ये सारे बच्चे नाकाम होंगे सौ परसेंट बच्चा नाकाम होगा उस और वो बच्चा सिर्फ कामयाब होगा जिसने ई कॉमर्स वाइट लेवल ब्रांड चलाने के बाद वाइट लेवल प्रोडक्ट्स के बाद ई कॉमर्स लर्न किया और पैदल अपना कुछ बना लिया जो जिसने बना लिया ना वो कामयाब होगा कि उसकी लर्निंग भी अच्छी है ई कॉमर्स की कि क्या बिकता है कितना बिकता है आपको लर्न करने के लिए वाइट लेबल करना है करें उसके बाद फॉरन ट्रांजेक्शन करें प्रोडक्ट में right. राइट अच्छा जी मेरे पास अब तीन सवाल हैं तो मैं तीनों इकट्ठे नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने फिर एक बात के जवाब में मुझे काफ़ी सवाल दे देने हैं अच्छा मेरा अपना कुछ एक्सपीरियंस है मार्केटिंग से रिलेटेड एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद यू कि हमारा मैं कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ कराची के काम किया लाहौर के काम किया सो दे ड नॉट हैव अ अन्टेलिटी कि भाई मुझे ऑर्गेनिक सेल्स पर काम करना है मुझे ब्रांडिंग पे काम करना है मुझे टेली मार्ट मैं अभी कल ही आपको टैग कर रहा था एक पोस्ट पर तो टेली मार्ट तभी नहीं आ रहा था सो so, आज आप अभी मुझे आपने क्लियर किया है बस हैविंग दैट क्वेश्चन मैं सुबह से पूछ नहीं सका लेकिन वो क्या है कि दैट इज जस्ट लाइक यू आर ड्रिप फीडिंग जब तक ड्रिप चल रही है आपकी सांसे जब ड्रिप आपकी सांसें चल रही जब जाएंगी या ऑक्सीजन लगे आप exactly that's the right keyword. अब मसला ये है कि हम लोग पे काम क्यों नहीं कर पाते हम लोग इस वजह से ऑर्गेनिक पे काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है दो लाख ढाई लाख बचा के देना शुरू कर देगा पर मंथ एंड देन वी विल ग्रो टू टेलीमार्ट साइज ठीक है वो का मसला है ये पूरा मसला सिर्फ सोच का है मेरे पास मैं आज तक आपको बताऊं अंदाजन तकरीबन चार हजार ब्रांड को कंसल्ट कर चुका हूँ चार हजार ब्रांड को एडवाइस किया होगा आज तक मैंने शायद इससे ज्यादा हो सकता है अल्लाह ने चाहता नंबर कम नहीं होगा सही है अब उनमें मैं आपको बताऊं तकरीबन ब्रांड्स पिचानवे से ऊपर परसेंट ब्रांड होंगे जिनका मसला पता है सबसे बड़ा मसला अहमद भाई एड बंद करते हैं ना हम जीरो हो जाते हैं हाँ वो और इसके बाद इसका मुझे बोलते हैं हमें टेलीमार्ट जैसा बनना है आपकी माशाल्लाह ब्रांड गुडविल अच्छी है कैसे ब्रांड गुडविल पे तो पैसा लगाया मैंने exactly. मैंने उस टाइम पे उस जगह पे पैसा लगाया जहां पे जरूरत थी परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको करंट सेल दे देती है आपको लगता है मैंने सेल कर दी मैंने पैसे बना दिए मैं आपको पता है क्यों मुझे आगे कहता है ना मेरी इतनी सेल है ऐसे प्लेयर्स को मैं जानता हूँ वो कहते हैं मेरी पचास करोड़ सेल है मेरी सौ करोड़ से मैं कहता हूँ अच्छा मार्केटिंग बजट बताओ ज़रा वहां से पूरा बिजनेस मॉडल खुल जाता है उनका क्योंकि अगर अगला पचास सत्तर लाख रुपये मार्केटिंग का खर्च कर रहा है तो मैं ये कहता हूँ ये आपका कमाल नहीं है ये तो मार्केटिंग का कमाल है बंद करके देखो बंद करो फिर आपको बता लेगा मैंने आपको बोला टेली मार्ट इतना बड़ा सदमा लेके बैठा कि मेरा फेस मैं आज फेसबुक जीरो मेरा इंस्टाग्राम ज़ीरो हो गया इतना मैं पॉइंट जीरो पे आ गया मैं 2013 चला गया डायरेक्ट 2023 के एंड में हुआ है दिसंबर में दिसंबर के आखिरी कुछ वीक में हुआ है मेरे साथ तो मैं डायरेक्ट दस साल पीछे गया हूँ ये अल्लाह का शुक्र है मैं वहाँ खड़ा हूँ मेरे पास आज भी ऑर्गेनिक ऑर्डर आता है उसका रीजन क्या है मैं हमेशा कहता हूँ इसको आसान तरीका है एक तो सोच का प्रॉब्लम है लोग लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं रहे हमेशा लॉन्ग टर्म ब्रांड जो है ना वो आपको पैसे बना के देगा राइट right. आज परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको पैसे बना के देगी तो उसमें तरीकाकार क्या होता है आप बोलते हैं पर पांच लाख खर्च करने के लिए महीना डिवाइड करते हैं दो में बोले चार लाख मैं करूंगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग लेकिन लाख रुपए तो मैं ब्रांडिंग करूंगा मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करूंगा मैं दूसरी चीजें भी करूंगा मैं दूसरे हर सेलिब्रिटी को भी लूंगा मैं हो सकता है सीएसआर भी करूं कि अपना लाइटर एक नोट देने के लिए यार देखो लाइटर इमेज दे रहा हूं मैं टेलीमार्ट का देखो मैं ये करता हूं मैंने मैं कल भी एक बंदे को बता रहा था मतलब तीन दफा तो मैंने ब्लड डोनेशन ड्राइव की है हमारे ऑफिस आते थे इंडस हॉस्पिटल वाले हम कहते थे खून ले लो और होता है कि नेकी कर दुनिया को दिखा आजकल तो अल्लाह माफ माफरे नेकी कर दरिया में जाने वाला सीन तो है नहीं तो आप सीएसआर भी करते हैं कितनी दफा ये होता है कि आपका ब्रांड इमेज भी लाइट हो जाता है लोग कहते हैं पॉजिटिव काम कर रहे हैं हम कितनी दफ़ा डोनेशन ड्राइव्स करते हैं मॉनिटरी डोनेशन ड्राइवस होती हैं बड़े बड़े सारे उनके साथ कभी हम किसी इदारे के साथ मिलके के उनके वहाँ पे बच्चे कुछ बैठ के बना रहे हैं या माजूर लोग कुछ बैठ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम वो भी बेचते हैं विदाउट एनी चार्ज हम नहीं करते उनको चार्ज कुछ भी सही है हम उनके लिए बस वो करते हैं कि चार जगहों से बच्चा दुआएं भी आ रही होती है सही है तो ये वाली जो सोच है ना ये ब्रांड बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है पूरी अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपका फेसबुक पर चीज़ चीज़ के कह रहा है कि हमने ब्रांडिंग कभी की नहीं है आपके प्रोडक्ट में ना सेंस है ना प्रोडक्ट इमेजेस में सेंस है ना कोई आपके सोशल मीडिया कैलेंडर है ना कोई आपकी ब्रांड गाइडलाइंस है अगर ये सारी चीज़ों पर आज आप काम नहीं करेंगे ना दो चार साल में आप अपसिलीट हो जाएंगे सही है आपके पैसे डूब जाएंगे जो आपने पैसे बनाए भी होंगे ना वो भी डूब जाएंगे तो ब्रांडिंग लॉन्गर विजन है उसके लिए विजन होना जरूरी है कि क्या मैं ये बिज़नेस जो बना रहा हूँ और ये वाले जो लोग होते हैं ना कि यार मैं दो साल में बिजनेस बेच दूंगा एक साल में बिजनेस भेज दूंगा उनके लिए तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग सही है कि उन्होंने पैसे लगाए जबरदस्ती के इतने सारे ऑर्डर किए और किसी को अपना बिजनेस पेल के चले गए मैं उसको सेल करना भी नहीं कहता मैं पेल के चले चलेगा सही है, है। क्योंकि अगला आएगा उसको बोलेगा इतनी सेल है इतनी सेल है जब तक वो एड चलाएगा जब तक तो सेल आएगी वो एड बंद करेगा तो सेल ही नहीं है वो तो पॉइंट जीरो में खड़ा हो जाएगा exactly. तो ब्रांडिंग बहुत कोर है बिजनेस का और अगर आज लोग इसको समझ जाएंगे जितने लोग समझ गए वो सारे कामयाब है जितने लोग नहीं समझे वो सारे लोग एक दो साल तीन साल के बाद ऑप्सुलीट हो जाते हैं इसी वजह से जो आपको दिखता है ना कि ऑनलाइन स्टोर जितने बन रहे होते हैं ना उससे ज्यादा बंद हो रहे होते हैं एक्जैक्ट exactly. और फिर लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन में काम ही नहीं है ऑनलाइन में कुछ बचा ही नहीं है कुछ है ही नहीं ऑनलाइन में बहुत कुछ है आपने राइट एक्सप्लोर नहीं किया ठीक है अच्छा एक सवाल है जो मैं शायद आपसे ही पूछ रहा हूँ मैंने किसी से पूछा नहीं है बड़े टाइकून बिजनेस टाइकून से भी नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगता है कि ये ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा होता है हमारा जो एक्सपेंस है ना ये कॉस्टिंग एंड ऑल डाल के फॉर एग्जांपल पाँच लाख है और मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है साढ़े चार लाख रुपए लेकिन मुझे महीने के एंड पे लगता है मैं प्रॉफिट में ये जो गेम है और दो साल बाद मुझे जाके रियलाइज होता है यार आई वाज नेवर इन प्रॉफिट ये तो मुझे मेरी क्लोजिंग और जो मेरे मिस कैलकुलेशन ऑफ द डेज एंड एक्सपेंसेस एंड स्पेंडिंग्स थी उसके बाद जाके मुझे पता लगता है दो साल बाद इसको कहां से पकड़ना है और ये होता है या नहीं होता ये भी बता दें होता है कल मेरे साथ एक ब्रांड बैठा था कह रहा है अहमद भाई मैंने प्रॉफिट तो किया है मतलब कितना किया है कह रहा है मैंने गाड़ी भी यहीं से ली है मैंने एक फ़ोन खरीदा था मैं उम्रे पे भी गया था मतलब प्रॉफिट हुआ कितना है कह रहा है यार वो खाते क्लियर नहीं है मेरे तकरीबन ब्रांड्स का ये प्रॉब्लम है मैं कहता हूँ डे वन पे आपको एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर लगा लेना चाहिए इसीलिए मैंने आपको पता है सिर्फ इसी वजह से कि जो मैं इतने लोगों से मिलता हूँ और ये इनके मसले सुनता हूँ ना मैंने एक पूरा ई फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तानी बिजनेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए रखा है कि भाई उस पर जाके फ्री में एंट्री कर ले तुम्हारा डेटा भी सिक्योर है ए डब्ल्यू एस पे पढ़ावा मेरे सर्वर्स पे कोई नहीं जाएगा ना तुम्हारा डेटा जाएगा रियल टाइम रहेगा सारी जिंदगी आप पॉइंट ऑफ सेल भी आउटलेट्स पे भी लगा दे जो करना है अपने हिसाब किताब क्लियर रखें आज तकरीबन लोगों के हिसाब किताब क्लियर नहीं है एक्सपेंसिस उनको बुक करना नहीं आते इसके बाद उनको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो नहीं आती वो होती है यूनिट इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट बन बनता कितने का है उस पर कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है इसके बाद कहाँ उसकी टोटल प्राइस पड़ी तो आपने जो रिटर्न आया अगर तो रिटर्न के चार्जेस उसमें लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए एक बंदा है कह रहा है यार मैंने फैशन ब्रांड बनाया पैसे नहीं बन रहे मतलब शूट कितने का कराता है उसने बोला मैं इतने का शूट कराता हूँ पर आइटम मतलब कभी शूट के पैसे डालने आइटम पर कह रहा है नहीं तो मतलब जो शूट के तुम्हारे चार्जेस है ना वो नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिवाइड होके उस कॉस्ट का पार्ट बन जाता है मार्केटिंग ये ये नहीं होता मैं अलग से मार्केटिंग फिर वो पता है क्या सोच रहता है ऐसी सोच जब होती है ना तो वो ये सोचता है जब उसको पता है ना खर्चे कम करने हैं मार्केटिंग कम कर देता हूं अबे मार्केटिंग कम नहीं करनी मार्केटिंग को वहां डाल भाई मार्केटिंग को वहां डालेगा तो ऑटोमेटिक काम बढ़ेगा ना फिर लगाओ पागलों की तरह और फिर लोगों की एक सोच होती है मैं कहता हूं हमेशा कंज्यूमर परस्पेक्टिव से सोचें अपने ब्रांड को खुद ना सोचें कंज्यूमर क्या है? इस रेट पे प्रोडक्ट लेना चाहेगा सही है ये ना सोचो यार मैं पाँच सौ रुपये बढ़ा दूंगा नहीं लेगा क्यों नहीं लेगा आप अगर राइट तरीके से बेच रहे हैं क्यों नहीं लेगा तो यूनिट इकोनॉमिक्स आपके क्लियर होने चाहिए एक एक ऐड अगर कॉस्ट आ रही है तो होता पता है क्या है तकरीबन लोग कुछ कॉस्टिंग होती हैं जो मतलब जो कॉस्ट है वो डालते ही नहीं है किस तरह की कॉस्ट नहीं डालते हैं अब फॉर एग्जाम्पल आपने सौ ऑर्डर किया फेसबुक से आपने एड चलाई हुई थी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू अब आपके पास सौ ऑर्डर आ गया अब आपने बोला सौ की पर यूनिट कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर कॉस्ट चार पाँच सौ रुपए पाँच सौ रुपए कास्ट है सौ ऑर्डर मैंने किया पचास हजार मेरी कॉस्ट है अब जब ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं बीस सही है ऑर्डर ऑर्डर रिटर्न रिटर्न आ गया तो एक तो एक की कॉस्ट आपके कुरियर कॉस्ट में ऐड हो जानी चाहिए आपके हर आइटम में आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी तीस परसेंट एडिशनल कॉस्ट वो कॉस्ट यहाँ पे डाके बाकी सत्तर ऑर्डर पे डाल दें सही है तो आपकी कॉस्टिंग एक तो क्लियर है कुरियर की इसके बाद जो तीस ऑर्डर की आपकी कन्वर्जन कॉस्ट थी जो तकरीबन लोग डालना भूल जाते हैं वो कन्वर्जन कॉस्ट भी तो डाले है अब आपके अपने मार्केटिंग पे तो अब वो जो सत्तर ऑर्डर पे जो तीस ऑर्डर की भी आपने डाली ना तो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट जो पाँच सौ रुपए थी वो हो सकता है सात सौ रुपये टच कर जाए सही है वो छे साढ़े छे सौ साढ़े छह सौ रुपए टच करेगी तकरीबन अब वो जब वहां गई ना अब आपको पता है साढ़े छह सौ मेरी कॉस्ट है मेरी कोरियर कॉस्ट दो सौ नहीं है क्योंकि ये माशाला रिटर्न आते हैं तो पौने तीन सौ है अब आपने बोला यार मेरी एक हजार रुपए के आसपास तो कॉस्ट आ गई है नौ साढ़े नौ सौ हजार रुपये मेरी कॉस्ट है अब मुझे ये पूरी कॉस्ट डालनी है मेरे प्रोडक्ट में जहां मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की ये कॉस्ट थी उसमें मैंने इसको मार्केटिंग एंड सेल्स की कॉस्ट ऐड की इसके बाद आपने बोला अब जो है ना वो मेरा नेट प्रॉफिट है कितने बिजनेसेस ग्रॉस लेवल नुकसान कर रहे होते हैं आपको पता है उनको पता ही नहीं होता उनको दिख रहा होता है मैंने वो एड लगाई भी है बोला पचास हज़ार की एड है अरे यार, यार ये सारे आइटम में माशाल्लाह इतने पैसे बच रहे हैं लेकिन जब वो उसको डिवाइड करके जब बाद में डालते हैं ना कभी क्लोजिंग करते हैं या कभी किसी इन्वेस्टर के मुझसे आगे बंदे के बैठ जाए और इसके बाद जब मैं उनके खाते खोल के उनको जब बताता हूँ कि तुम्हारी कंपनी सैंसी नहीं बनाती भाई तो वो जाके वहाँ फंसते हैं तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं कहता हूँ ये कैलकुलेशन होती है ना बड़ा सा मेरे टेबल पर इतना बड़ा कैलकुलेटर पड़ा है किरियाना स्टोर वाला यूँ हम कैलकुलेट करते हैं टक टक ये आदत है कि यार ये चीज़ यूँ है ये चीज है और बिजनेस के साथ भी जब मैं बैठा होता ना कंसल्टेशन में तो मैं उसको बताता हूँ कैलकुलेटर तो ये यूं है यूं है यू साइंस बनाता यू सेंस बनाता तो हर चीज़ की प्राइसिंग कॉस्ट आप हर चीज़ को प्रॉपर कैलकुलेट करें उसके बाद जाके आप प्रॉफिट में आ सकते हैं एक्सपेंसिस को नैरो डाउन करें कट डाउन करें लेकिन ये जो आपका ये वाला एक्सपेंस है ना फाइनेंस का इसको कंट्रोल करने का मैंने जब बिजनेस बनाया ना पहली चीज़ पता है वेबसाइट बनाने से पहले ई बनाया था मैंने कि जब मेरे पैसे जहाँ घूमेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या वो सिक्योर रहेंगे क्या वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे आपको पता है कोरियर से जो बिल आते हैं ना लोग चेक ही नहीं करते मैं कहता हूं कोरियर के बिल चेक करो एक दफा आप देखें उस उसमें कितने उल्टे सीधे उन्होंने कांड किए होते हैं मेरे एक डेडिकेटेड बंदा बैठ के कोरियर का बिल चेक करता है कि भाई कोरियर ने जो चार्जेस बोले थे क्या उसने वो लगाए कि नहीं लगाए कितनी दफा ज्यादा चार्जेस लगे हुए थे आपको पता है इतने ज्यादा चार्जेस लगे हुए होते हैं बीच बीच में कि अगर आप लमसम चले गए ना तो आप गए फिर हम उनसे रिपीट लेते हैं कि भाई ये गलत लगा दिया आपने चार्जेस तो ये लोग नहीं देखते एक इसके बाद हम लोग हर कॉस्ट को बचाने के लिए कोशिश करते हैं रिटर्न ना आए पार्सल उसके लिए हम कुरियर को कहते हैं स्टेशन पे ही रोक ले हम वहाँ कस्टमर को वापस कॉल करेंगे कि सर आपको अटैम्प्ट किया गया था रीअटैम्प्ट कर लें क्या क्योंकि अगर वो वापस आ गया ना तो फिर वो वापस डिलीवर होना है मुझे रिटर्न चार्जेस भी लग गए नया कोरियर भी लग गया तो इस तरह आप कॉस्ट को रिड्यूस करें और हर कॉस्ट को अपनी आंखों आप मैं नंबर्स यूँ क्लियर होने चाहिए मैंने जितने ब्रांड से पूछता ना आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है यूँ देखता है मुझे उसको पता ही नहीं है कहते हैं मैंने फिर पूछना पड़ता है भाई एवरेज पे प्रोडक्ट कितने का है अच्छा इतने का अच्छा कितने का वो तो बनता होगा फिर हम उसकी ग्रॉस मार्जिन से निकाल के उसको देते हैं कि अगर प्रोडक्ट लेवल बिजनेस है ना उसमें मिनिमम साठ परसेंट आपका ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए अच्छा सर अब इसी बात से मेरे जहन में एक बात आती है कि हम सब ऑंटरप्रेनोर बनना चाहते हैं और हमें ख़्वाब भी दिखाए जा रहे हैं ऑन्टरप्रेनोरशिप के और फिर ख्वाब देखना बुरी चीज़ नहीं है और वैन वैन सम वन इज़ गेटिंग इंस्पायर्ड ऑफ द पर्सनलिटी लाइक यू सो वो भी इसी ड्रीम को चेज़ करना चाहता है सो वट आर द डूज़ एंड डोंट्स इनिशियली फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई नो नथिंग एंड आई आई एम आ स्टूडेंट ऑफ बी एज वेल एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ आर माई पर्सनैलिटी की मैं ऑन्टरप्रीनोरशिप कर सकता या नहीं कर सकता तो जॉब करूँ या क्या पैथ से होना चाहिए डूज एंड डोंट्स क्या है कि मैं एक सक्सेसफुल ऑंटरप्रीनोरशिप का करियर बना लें देखिए पहले तो एक चीज़ को रियलाइज़ करना ज़रूरी है हर बंदा ऑन्टरप्रिनर नहीं हो सकता ओके okay. ये आज यूनिवर्सिटियों की मैं गलती कहूँगा सही है शायद वो सबको पढ़ा रहे हैं हर चीज़ हर किसी को शौक हो गया हर यूनिवर्सिटी ने इनक्यूबेशन सेंटर्स बना लिए हैं हर बंदा जो है वो ऑन्टरप्रीनर नहीं हो सकता इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए सही है और राइट right टाइम तस्लीम कर लेंगे आप आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपकी सोच पैसा कमाने की है और आप इसके लिए ऑंटरप्रिन बनना चाहते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए अगर आपकी सोच कुछ बड़ा बनाने की है कुछ बड़ा करने की है पैसा आ जाएगा वो बाई प्रोडक्ट है पैसा बाई प्रोडक्ट है सही है कितने साल ऐसा होता है कि आप पैसे नहीं बनाते लेकिन उसके बाद आपको जो अपनी पर्सनैलिटी आप ग्रूम कर चुके होते हैं वो आपको पर्सनैलिटी पैसे बना के देती है बिल्कुल ठीक सही है, है।, है। बहुत सिंपल सी बात है आपको मैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये स्टोरी सुना था सही है तो आपका आपकी पर्सनैलिटी पैसे बना के देती है तो वो पर्सनैलिटी इन्वेस्टमेंट होती है कितनी दफा तो ऑनटरप्रिनशिप एक माइंडसेट का नाम है अगर आप में वो है या नहीं मैं आपको बताया तो बड़ा सिंपल है उसको समझना एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना जरूरी है वो होना चाहिए सेल्स मैन ओके उसको बेचने आना चाहिए या तो प्रोडक्ट बेचेगा या वो खुद को बेच रहा होगा या वो अपनी कंपनी को बेच रहा होगा या वो फ्रेंचाइज कुछ भी बेच जरूर रहा होगा सही है अगर आपको बेचना नहीं आता ना भाई आपका काम नहीं है आप फिर करें ये आपको फिर कंपनी में आने का फिर भी दिल हो रहा है कि आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है फॉर एक्जाम्पल आपने बोला मैं बहुत अच्छा डेवलपर हूँ क्योंकि तो मुझे बेचना नहीं आता सही है क्या बहुत अच्छा डेवलपर इसके लिए अच्छा होना जरूरी है कि भाई अच्छा डेवलपर हो क्या आप ऑनटरप्रिनर अच्छे हो नहीं आप डेवलपर अच्छे हो आप तो आप बोलोग भाई मैं डेवलपर अच्छा हो आप बोलो फिर भी कारोबार करने का दिल है तो आप अपने साथ एक ऐसे को फाउंडर को मिलाएं जिसको बेचना आता हो कि सर्विसेज तुम्हारी हैं बेच के मैं दिखाऊंगा कि मुझे पता है कि मैं क्लाइंट पकड़ के लाऊंगा मैं बेच के लाऊंगा तू पीछे वाला काम संभाल लेना भाई सही है तो आपको लगता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ बिजनेस में हमेशा मैं कहता हूँ अगर आपको सीखना है ना बिजनेस सही है या आपको जानना है कि मैं क्या करूँ किस तरह करूँ एक रिपोर्ट है आप गूगल पे जाके करें टॉप हंड्रेड स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया ओके okay. उन सौ स्टार्टअप्स की स्टोरीज हैं उसमें एक एक पेजर आधा आधा पेजर स्टोरी है पढ़ ले जाके अगर वो सौ स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ने के बाद आपके दिमाग में और दिल में कोई स्पार्क आता है ना इसका मतलब आपका काम है आप कर सकते हैं प्लस उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा आजकल पता है तकरीबन लोगों को दिल हुआ है कारोबार करने का क्योंकि वो आसपास सुन रहे हैं कि कारोबार में पैसा बहुत है और ऑनट्रप्रनोर मैं बनूंगा मेरे कार्ड पर सीओ लिखा होगा फाउंडर लिखा होगा मैं बहुत अच्छा लगूंगा प्लस उन लोगों ने कुछ केस स्टडीज़ देख ली हैं कि जो सक्सेस स्टोरीज बन गई हैं सही है हम जैसे लोगों को भी दे, लोग देख के कहते हैं कि यार अगले ने भी कुछ अच्छा कर लिया मैं भी कर लूंगा इसका भी फोर्ब्स में नाम है मेरा भी आ जाएगा सही है लेकिन उसके पीछे एक मेहनत है आप ये पढ़ें सारी चीज़ें आपको स्पार्क दिखता है आप बोले यार मैं ये ये चीज़ें कर सकता हूँ आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लोग कहते हैं पैसा है मैं ये कर लेता हूँ पैसा नहीं है बिजनेस पैसे का नाम ही नहीं है वो आइडिया का नाम है अगर आपके पास आइडिया अच्छा नहीं है फिर तकरीबन लोग पता है क्या कहते हैं आप बताओ क्या करूं मैं मैं क्यों बताऊं अगर आप अपने लिए एक आइडिया तक नहीं सोच सकते ना आपका काम नहीं है करना जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट बनाना है और इसके बाद कहते हैं मैं प्रोडक्ट हंटर रख लेता हूँ ये टर्म ही मुझे समझ नहीं आती अगर आपको अपने लिए प्रोडक्ट बनाना है और आप इतने कोई आलसी हैं कि आप कहते हैं मैं उठ के मार्केट तक नहीं जाऊंगा या मैं जाके गूगल तक जाके सर्च नहीं करूंगा आपका काम नहीं है बिजनेस मैं मार्केटों में जिस तरह हमने स्टार्ट में चला है और जिस तरह हम चलते थे ना दस दस घंटे नौ नौ घंटे हम जूते पहनते थे जो अगर चलते थे मेरे अपने लड़के बेजार हो जाते थे कि भाई पागल को बाहर वापस भेज यार ये तो शुरू हो जाता है हमें भी लेके घूमता है नौ नौ घंटे तो ये तरीके का कार होता है तो बिजनेस माइंड का नाम है बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने से पहले वो उसकी रिसर्च है जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना सौ स्टार्टअप्स आप पढ़ेंगे ना उसमें से मैं आपको ये बात जरूर बता हूँ आपको दस पसंद आएंगे अगर आप हैं ना आपको दस पसंद आएंगे उसके बाद आप उन दस को इस तरह एनालाइज करेंगे कि यार मेरे पास कितने पैसे हैं तो इनमें से मैं क्या है जो स्टार्ट कर सकता हूं सही है क्या आप अगर ये जो लोग सोचते हैं ना इन्वेस्टर के पैसे आएंगे तो ही बिजनेस करूंगा वो ऑन्टरप्रिन है ही नहीं ऑनट्रप्रिन ये होता है कि यार मेरा पैशन है ये करना मैं कम पैसों से भी स्टार्ट कर दूंगा मैं कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगा सही है मैं मेहनत करूंगा अल्लाह ने चाह मैंने दुनिया में हर उस शख्स को कामयाब देखा जो मेहनत करता है अल्लाह कहता है जब कोई मेहनत करता है मुझे उससे हया आती है सही है अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान मेहनत करता है तो मुझे हयाती है या ये वाला बंदा मेहनत करेगा तो मुझे हयाती है ये वाला जेंडर करेगा इसका मतलब ये क्लियर है जो भी मेहनत करेगा इस दुनिया में उसको उसका सिला अल्लाह जरूर देगा तो आप मेहनत करें राइट डायरेक्शन में करें और रिसर्च करें अब वो जो दस बिजनेस मैन आपको बोला ना अब आपके पॉकेट में आप बोलेंगे यार ये तीन आते हैं अब उसके बाद उन तीन कंपनीज को उठाएं और उनकी पूरी पूरी केस स्टडीज पढ़ लें अब आपको आधे पेद से काम नहीं चलेगा उन तीन को जब आप पूरा पूरा पढ़ेंगे ना तो अब आपको फायदा क्या होगा अब देखिए ये पीछे होने का फायदा है दुनिया में हम जो पीछे हैं ना उसका यह फायदा है कि आपको सक्सेस स्टोरीज मिली हुई है पढ़ने के लिए और रेप्लीकेट करने के लिए अब उन तीन को पढ़ेंगे ना आप उनमें से एक आपके दिल को लगेगा जेब को भी लगा हुआ है आपने बोला अब ये मैं काम कर सकता हूँ और फिर उस पूरे बिजनेस मॉडल को रेप्लीकेट करें अपनी चार चीजें उसमें ऐड करें क्योंकि देखिए वो सक्सेस स्टोरी है वो रिसर्च का कोर यही होता है कि आपको पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ उस कंपनी ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुँचा तो उसने क्या स्टेजेस थे उन सारे स्टेजेस से मुझे गुजरना है तो मुझे क्या करना है ये आपको ऑन्टरप्रीनरशिप की किताब नहीं पढ़ेगी जो उन्नीस की है जो आप और मैं किताबें पढ़ते हैं उन्नीस की उन्नीस की ऑन्टरप्रीनोरशिप की किताबें पढ़ा रहे हैं हम लोगों को आज भी ये चीज़ मैं कहता हूँ आपको बिजनेस पढ़ने हैं ना एक तो इंडिया के पढ़ें दूसरा जो पाकिस्तान की भी ऐसे बिजनेस थे ना जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको भी पढ़ें ये स्टारबक्स पढ़ने से जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने चार दफा स्टारबक्स बक्स की केस स्टडी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है एप्पल पढ़ा है नोकिया का फेलियर और कोडेक का फेलियर ये सब ने पढ़ा हुआ है कोका कोला पढ़ा है सबने पढ़ा है क्या वो पाकिस्तान के रेलिवेंट है नहीं है क्या पाकिस्तान में एप्पल बना सकता है कोई नहीं बना सकता अगले पचास साल भी नहीं बना सकता ये भी मैं आपको लिख के दे दूँ सही है पाकिस्तान में फ़ोन असेंबल तक नहीं हो पा रहा सही से जितने लोग असेंबल कर रहे हैं हमें भी पता है कि क्या कर रहे हैं तो होता क्या है कि आप रेलिवेंट केस स्टडीज पढ़ें इसके बाद आइडिएशन फेज़ से रिसर्च फेज़ से निकले और फिर आपने अपने देखा कि मेरे पास इतने पैसे हों स्टार्ट कर दें ये जो लोग होते हैं ना जो इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार करते हैं वो सारे लोग फेलियर की तरफ क्यों मेरे पास भी आते हैं ना कि यार ये है आप पैसे होंगे तो स्टार्ट करूंगा तो मैं कहता हूँ अगले का पैशन ही नहीं है मेरे पैसे पे अगर बिजनेस करना है मैं खुद कर लेता हूँ मुझे तेरी जरूरत नहीं भाई तुझसे ज़्यादा शातिर तो हूँ मैं इतना तो मुझे पता है और तुम जितना पढ़ गया उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे उसकी ज़रूरत क्या है वो पैशन ये होता है कि जब उसके पास पैसे नहीं है या कम है उसने छोटा मोटा भी काम स्टार्ट कर लिया है और उसने कुछ ना कुछ बिजनेस बना लिया है तभी मैं कहता हूँ आप जो प्री रेवेन्यू स्टेज है ना आईडी स्टेज उसमें पैसे ना रेज करें क्यों आप करके दिखा दें कुछ कि मेरे मैंने अपने देखें छोटे पैसों में इतना कर लिया है तो मुझे अगर पैसे मिलेंगे तो देखें मैं क्या करूँगा फिर अपने रिसोर्सेज को अपने खर्चों को कम रखें पहला बिजनेस का सबसे पहला असूल होता है कि जब स्टार्ट करूँ ना अपने खर्चे कम रखो आपके खर्चे ज्यादा होगा गए मर जाएंगे क्योंकि आगे जाके कंट्रोल नहीं होने वो आगे जाके फिर होगा यही कि जो आप देखते हैं बिजनेस का हाल के इतने मिलियन डॉलर है इसके बंदों की कंपनी वो इसलिए होता है कि तो बिजनेस ऑन्टरप्रिनशिप एक माइंड का गेम है पहले ही छह महीनों में आपको समझ आ जाएगा आप इस लाइक हैं कि नहीं है उसको मान लें उसको ईगो पे ना लें कितनी देखें अगर हर बंदा ऑन्टरप्रिनोर बन जाएगा तो हमारे आपका नौकरी कौन करेगा आपके पास भी इतने लोग कर रहे हैं मेरे पास भी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि हर किसी का काम नहीं है ये राइट right. उसको राइट right अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी वो गलती करेगा क्योंकि उसकी चीज उसका माइंड नहीं है नहीं कितनी दफा होता है कि बहुत रेयर होता है ये कि सारी जनरेशन उसकी नौकरी करते आ रही है इसने अचानक कारोबार खड़ा कर लिया उसका रीज़न पता है क्या होता है कि जब वो अगर ऐसा बंदा कर लेता है कि ऐसे लोगों में बैठता है जो उसको यहाँ से पॉलिश करते हैं क्योंकि ऑन्टरप्रूनरशिप तो है ही यहाँ का गेम प्लस एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस इज नॉट रिस्क टेकिंग बिजनेस इज कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग सही है ये फर्क है दोनों में है। हमारे यहाँ लोगों को पढ़ाई चीज आती है बिजनेस इज रिस्क टेकिंग यह धंधा तो होता ही है, रिस्क है। रिस्क नहीं तो कैसे रिस्क मिलेगा एक तो अजीब अजीब से लोग सुना बनाते हैं भाई रिस्क का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ही जाके कूद जाऊँ नहीं हो जाएगा ऐसा नहीं होता ये जो आपको पढ़ाए भी अब ऐसे भी बड़े बड़े लोग हैं सही है जो कहते हैं कि भाई मैं ये नहीं सोचता कि करना कैसे मैं तो प्लेन से जंप मार दूँ नीचे सोचूंगा पैराशूट किस तरह बनाना नहीं बनाता बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजें की जाती है हर चीज और जितने लोग इस सोच के साथ जाते हैं ना वो सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं जो इस तरह जाते हैं कर लूंगा या सब पैसे बना रहे हैं तो पैसा अगर आपकी नीयत है आपको ऑन्टरप्रिन नहीं बनना चाहिए आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं अपने लिए कुछ बड़ा अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप ऑनटरप्रिनोर हैं क्योंकि आपने इतना बड़ा सोचा है इसीलिए आप ऑन्टरप्रिनोर हैं आपने सोचा मुझे पैसे बनाने हैं तो भाई जॉब कर ले आप जाके सही है वरना बैंक में जाके बहुत ज़्यादा पैसे बैंक में पैसे रखवा दो इस्लामिक बैंक में रखवा लेना आप शरिया हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे वो कर लो क्योंकि आप इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते बिल्कुल ठीक है अच्छा जी एक मुखसर सा सवाल विद, मुखसर जवाब मैं चाहूँगा क्योंकि हमारी ऑडियंस स्पीडिली चीज़ों को ऑप्ट करती है हम हम एक चीज जो मैं और आप इस चीज को समझते हैं हमारी ऑडियंस नहीं समझती तो उसको वो भी बता दीजिएगा कि मेरे सवाल की बेस आप ही अपने जवाब में कवर कर दीजिएगा इज इट नॉट टू हैव एन इन्वेस्टर इनिशियली देखिए मैंने आपको बोला कि इनिशियली क्या होता है कि आइडिया होता है आपको लगता है उसने एक करोड़ की वैल्यूएशन में लगाई तो ओहो हो हो, हो पचास परसेंट दे भी दिया पचास लाख आ गए मैंने तो सिर्फ सोचा था तकरीबन लोग यहां मार खाते हैं तकरीबन लोग बड़े बड़े ब्रांड्स को मैं जानता हूँ जो उन्होंने पहले राउंड में पचास सत्तर परसेंट इक्विटी दे दी आपके हाथ से निकल गई कंपनी इन्वेस्टर आपको फ्यूल करने के लिए होता है आपको बताने के लिए नहीं होता कि आपको क्या काम करना है ये फर्क है इन्वेस्टर और पार्टनर का बेसिक फर्क यह पार्टनर होल सोल आ जाता है कि मैं भी काम करूंगा इन्वेस्टर कहता है ये लो पैसे तुम्हें तो काम करने आते जाओ तुम काम करो तो इन्वेस्टर की ब्यूटी होती है अगर कोई इन्वेस्टर आपको डोमिनेट करता है ना यूं यूनी यूं करेंगे हम वो इन्वेस्टर नहीं है सही है वो आपको आके जब क्योंकि देखें आपको तकरीबन ब्रांड्स को बड़े बड़े ब्रांड्स हैं एक ब्रांड सौ मिलियन डॉलर रेस करके बंद हुआ सही है उसकी जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो यही थी कि इन्वेस्टर और फाउंडर आपस में भिड़े हुए थे इन्वेस्टर बोले यू करना है फाउंडर बोले यूँ करना है इतनी बड़ी कंपनी डूब गई सही है जिसने सौ मिलियन डॉलर रेस किया होगा तीन चार मिलियन डॉलर तो वैल्यूएशन होगी ना राइट चार मिलियन डॉलर की कंपनी बंद हो जाती है तीन मिलियन डॉलर साढ़े मिलियन आपके सौ अरब रुपये के आसपास बनते हैं सही है तो जो सौ अरब रुपये से या उसके आसपास की कंपनी थी वो बंद हो जाती है क्यों दोनों के आपस में नहीं बन रही तो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए अर्ली स्टेज आप खुद काम करें उसकी कोई वैल्यू बिल्ड करें जब आप कुछ वैल्यू बिल्ड करते हैं ना तो अगले को सीरियसनेस दिखती है आपकी जैसे मैंने बोला पैशन दिखता है सीरियसनेस दिखती है और आपने कुछ अचीव फील किया होता प्लस मैं कहता हूँ हमेशा पैसे रेज करने से पहले किसी एक मैंटोर से मिल लें जो इस चीज़ को समझता हो क्योंकि वो जो आपका एग्रीमेंट है ना उस इन्वेस्टर के साथ वो आपकी ग्रोथ डिफाइन करता है कि क्या आप ग्रो कर पाएंगे या ये इन्वेस्टर आपको कच्चा खा जाएगा निगलने तो नहीं आया आपको और होता यही है कि इन्वेस्टर आपको कितनी दफ़ा छोटे स्टेज के कंपनीज में बड़ा इन्वेस्टर आप ले आते हैं उसको अच्छी खासी इक्विटी दे दी वो आपको साइड कर दे है। बोलते हैं पैसे हैं तो डालो वरना चले जाओ मैं ये पूरी कंपनी चला लेता हूँ ये होता है उसका रीजन क्या है कि छोटी स्टेज पर कंपनी होती है ना तो आप खुद सीख रहे होते हैं आप मेंटली इतने साउंड नहीं होते कि आप इन्वेस्टमेंट्स को चीजों को समझ सकें मेरे पास कोई बंदा आता है तो मैं उसको फ्री में गाइड कर देता हूं यार यू नहीं यू करना यू नहीं यू करना ये चार चीजें अपनी सिक्योरिटी की डलवा लेना आपको पता है ऐसे भी इन्वेस्टर एग्रीमेंट्स मैंने देखे जहां पे इन्वेस्टर ने उस एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं आगे राउंड में कभी डाइल्यूट नहीं करूंगा अपना शेयर सिर्फ तुम अपना डाइल्यूट करते रहो और उस टाइम तो पैसे मिलते अच्छे लग रहे थे साइन कर दिया उन्होंने तो अर्ली स्टेज पे बेवकूफी से बचने के लिए तरीकाकार ये होता है कि आप खुद बनाएं बूट स्टार्प कंपनी बनाए अच्छी बनाए कंपनी उसके बाद जाके पैसे रेस सारी जिंदगी कर सकते हैं लेकिन कुछ बना तो लें पहले ताकि आपको पता हो कि देखें पैसा आता है ना तो वो वो कहलाता है ग्रोथ कैपिटल सही है ग्रोथ कैपिटल फॉर रीजन कहलाता है सही है right. कि वो सिर्फ ग्रो करने के लिए है तो अगर आप जीरो से कंपनी बना रहे तो ये वो नहीं है कि आपने बिस्मिल्ला के लिए कैपिटल लेना है सही <laughs> ये ग्रोथ कैपिटल तो उसमें पहले आप स्टार्ट बनाए कंपनी उसकी बेस सारी चीज़ें सेट करें कि जब पैसा पड़े तकरीबन कंपनियाँ पैसा लेने के बाद ग्रो करने के साथ साथ मुंह के बल गिर जाती हैं क्यों उनकी बेस स्ट्रांग नहीं होती रूट स्ट्रांग नहीं होता तो रूट पे काम करें कि आपको पता हो कल पैसा पड़ने वाला है तो फिर मैं क्या चीज़ अचीव कर सकूंगा और मैं जब अचीव करने जाऊंगा तो नीचे मेरी चीज़ें हिलेंगी नहीं तकरीबन कंपनियों के हिल जाती हैं वो बंद हो जाता है इसीलिए क्योंकि अर्ली स्टेज पैसा रेज कर लिया बिल्कुल ठीक है अच्छा मैं चाहूँगा कि मैं आपसे बातें करता जाऊँ और बहुत सारे सवाल आपसे पूछता जाऊँ लेकिन इस तरह हमारा पॉडकास्ट का सात आठ घंटे में चला जाएगा एंड नो वन विल वॉच इट तो उसमें मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एक वन लाइनर दे दें इस पूरी अपनी लाइफ का जो करैक्स है ना एक वन लाइनर जो आप लोगों को कहते हैं कि ये चीज़ मुझे लोगों में कमी फील होती है और मेरे हिसाब से ये लोगों में होनी चाहिए एंड दे कैन लीड एनी आंट्रप्रीनर लाइफ और वट एवर द लाइफ दे वॉन्ट टू बी दे कैन बी सक्सेसफुल वन लाइनर हद से ज्यादा रिसर्च हद से ज़्यादा रिसर्च मैं आज भी रिसर्च करता हूँ हर चीज़ में मैं इतनी रिसर्च करता हूँ इतना पढ़ता हूँ चीज़ों के बारे में बिजनेस के बारे में कि मुझे पता होता है कि मैं आप कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगा और अब अगर कोई चीज़ उल्टी हो रही है ना वो कहते हैं ना नियत मेहनत दुआ ये तीन चीज़ें आपके हाथ में होती हैं नियत भी मेहनत भी दुआ भी ये तीन चीज़ें आपने की उसके बाद अगर कोई चीज़ सही नहीं होती ना तो फिर वो चौथा एलिमेंट जो लोग नहीं बताते वही होता है कि जो हुआ उस पर अल्लाह से राजी रहो क्या ने आपके लिए इससे बहुत अच्छा रखा होगा तो आप मेहनत जो पूरी करते हैं ना वो कब होती है जब आपकी रिसर्च हो तो रिसर्च अगर आपने कहीं भी डाल दी किसी भी चीज़ में चाहे ऑपरेशन सीधी करने के लिए बिजनेस प्लान के लिए आगे ग्रोथ के लिए मुझे ग्रोथ देखनी होती है मैं जाता हूँ गूगल पे मैं देखता हूँ कि ये कंपनी से चार जिनको मैं फॉलो करता हूँ ये क्या कर रही हैं अपनी ग्रोथ के लिए इन्होंने किस तरह तो रिसर्च करें आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं रिसर्च नहीं करेंगे तो वही होगा कि सेठिया मेन्टेलिटी पर आदमी यहाँ बैठा हूँ तीसरा दिन है मेरा सही है तीसरा दिन है कि मैं अपने शहर से दूर हूँ मुझे तीन दिनों में लिटरली कोई काम का फोन नहीं आया कोई काम का फोन नहीं आया क्यों हमने जो काम अल्लाह का शुक्र है बनाना था और जिस तरह रिसर्च की थी और जिस तरह उसको रूट लेवल पे किया था वो सारी चीज़ तो रिसर्च करें वो कोर है बिजनेस का हर चीज का कोर है अगर आप नहीं करते आप बर्बाद हो जाएंगे वरना फिर वो सेठिया मेंटालिटी आप चार लोग लेके अपने आसपास बैठे होंगे जो आपकी तारीफें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे राइट सो इनकी बातों से जब मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो देर आर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू मैं हाफ बेक्ड इज द वर्ड ओनली यूज फॉर द फूड हाफ बेक्ड

कुछ ना कुछ तो फिर खा के गुजारा कर ही लेते हैं लाइक वाइज वी यू कैन से फीड आर बिजनेस और आर आंट्रप्रेन्योरल जर्नी विद बिट ऑफ द थिंग्स एंड देन वी कॉल आर सेल्स एज एन आंट्रप्रेनोर एंड देन वी गेट फेल्ड सो टू एस्केप ऑल ऑफ दिस थिंग्स ही इज़ द गाय यू कैन फॉलो ही इज़ द गाय यू कैन आस्क द क्वेश्चन यू कैन डी एम हिम एंड यू कैन आस्क हिम एनी थिंग बिकॉज इफ इफ ही इज एक्सेससेबल टू बी ही इज एक्सेससेबल टू यू एज वेल सो आई वुड कीप ऑन